इंडियन मिसाइल्स। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17, इंडियन मिसाइल्स। इंडियन मिसाइल्स आर अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज डिफेंस स्ट्रैटेजी। ये भारत की किसी भी देश की सुरक्षा की स्ट्रैटेजी को के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है इंडियन मिसाइल्स। ये प्रोवाइड करता है हमें अ वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। यहाँ पर एक वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। अ गाइडेड मिसाइल, अ सेल्फ प्रोपल्ड फ्लाइंग वेपन टिपिकली पावर्ड बाय अ फाइटर जेट और रॉकेट मोटर, इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी लॉन्च्ड, शॉट और पुश्ड टुवर्ड्स अ टारगेट। सो यहाँ पर एक निशाना बनाकर एक गाइडेड मिसाइल, एक मिसाइल को या फिर एक सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लाइंग वेपन को, टिपिकली पावर्ड बाय अ फाइटर जेट, जिसको पावर दी जाती है फाइटर जेट के द्वारा या फिर किसी रॉकेट मोटर को, कुछ कोई निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर शॉट किया जा सकता है। लेट्स एक्सप्लोर देम। चलिए उनके बारे में जानते हैं। पृथ्वी मिसाइल, द पृथ्वी मिसाइल सीरीज कंप्राइजेज ऑफ थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स के बने होते हैं, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस एंड लैंड अटैक मिसाइल। शॉर्ट रेंज में अटैक करते हैं, सरफेस टू सरफेस अटैक कर सकते हैं एंड लैंड अटैक मिसाइल्स। ईच कैपेबल ऑफ वेरियस रोल। हर कोई ये तीनों टाइप्स, शॉर्ट रेंज, टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस या लैंड अटैक मिसाइल्स, ये तरह तरह के रोल्स को निभाने के लिए कैपेबल हैं। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ये तीनों टाइप्स निभाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट टू पर। अग्नि मिसाइल सीरीज इंक्लूड शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज। यहाँ पर इसमें इंक्लूड होती है हमारी शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट कैपेबल होते हैं ये ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू डिस्टेंट टारगेट। डिलीवर करने के किसको? न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, दूर दूर के टारगेट्स तक। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं द ब्रह्मोस, अ जॉइंट डेवलपमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बाय इंडिया एंड रशिया। ये एक जॉइंट डेवलपमेंट है इंडिया और रशिया के द्वारा, ये मिसाइल बनी है। इज़ नोन फॉर इट प्रिसाइसन एंड स्पीड। ये अपने प्रिसाइसन और स्पीड के लिए जानी जाती है। प्रिसाइसन मतलब कि बहुत दूर तक प्रिसाइस कर सकती है, देख सकती है। आगे चलते हैं। द नैग मिसाइल इज़ एन एंटी टैंक। ये एक एंटी टैंक है गाइडेड मिसाइल, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो यूटिलाइज की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी इसका प्रयोग करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोस्पिना। ये प्रोस्पिना भी कहा जाता है इसे, फॉर इट्स लैंड अटैक वर्जन के वजह से, क्योंकि ये लैंड पर लैंड से अटैक किया जाता है इससे, तो इसके लैंड अटैक वर्जन की वजह से इसे कहा जाता है प्रोस्पिना। आकाश मिसाइल एक मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका यूज़ किया जाता है एयर डिफेंस पर्पजेस के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हम पर हवा में हमला होता है, मतलब आसमान से दुश्मन आते हैं हम पर हमला करने के लिए, तो उनसे कौन लड़ता है? यस, हमारी एयरफोर्स लड़ती है। तो ये मिसाइल यूज़ की जाती है एयर डिफेंस पर्पजेस के लिए। नेक्स्ट वी हैव द शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये सरफेस से सरफेस मिसाइल है, जो लॉन्च मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ कैनिस्टर। ये लॉन्च होती है एक कैनिस्टर से। ठीक है, आगे चलते हैं। द सागरिका मिसाइल। सागरिका मिसाइल इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स। जो सबमरीन्स, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ समुद्र है, सबमरीन्स से भी लॉन्च की जा सकती है। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स हमारे देश की।
सो ये हैं मिसाइल्स डिफरेंट डिफरेंट हमारे देश की, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।